गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कार्बन इंजन चल रहा था, ठीक है। इसमें कार्बन इंजन में इसके वर्किंग आ रही है, ठीक है। लास्ट देखिए क्या आता है कार्बन इंजन का, दक्षता है। कार्बन इंजन की ठीक है, नेक्स्ट क्या आएगा, कार्बन इंजन की दक्षता। देखो इसी चीज की दक्षता निकालते हैं तो हम किस प्रकार उपयोग करेंगे, ठीक है ना। इसी इंजन की जो दक्षता वगैरह प्राप्त करेंगे तो क्या आएगा, कोई भी दक्षता निकालते क्या आएगा, किया गया कार्य उपयोगी कार्य अपॉन क्या होगी, अवशोषित उष्मा, ठीक है ना। कार्य देखो पहले क्या चल रहे थे, उष्मा इंजन चल रहे थे, ठीक है ना। उष्मा इंजन के बाद में अपने पास क्या प्राप्त होता है, कार्बन इंजन प्राप्त आएगा। कार्बन इंजन की दक्षता क्या थी, अधिक थी, ठीक है ना। और ये दक्षता किस प्रकार प्राप्त करेंगे अपन, ये देखिए क्या आएगी, कार्बन इंजन की दक्षता, ठीक है। कार्बन इंजन की दक्षता अपन किस प्रकार प्राप्त करेंगे, देखिए उपयोगी कार्य या किया गया कार्य बटे अवशोषित उष्मा, ठीक है। दक्षता बराबर क्या होता है, किया गया कार्य बटे अवशोषित उष्मा, यानी कि जो अपन ने उष्मा ग्रहण की उसका मान आ जाएगा। दक्षता, दक्षता को किससे व्यक्त करते हैं, ईटा से। किया गया कार्य जो कार्बन इंजन में टोटलिंग जो अपन ने कार्य किया था, कितना कार्य आया था, आर इंटू टी वन माइनस टी टू इंटू क्या आया था, लॉग वी वी अपॉन वी ए, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगी, अवशोषित उष्मा। ईटा बराबर क्या आएगा, किया गया कुल कार्य डब्ल्यू अपॉन अवशोषित उष्मा, ठीक है। किया गया कुल कार्य ईटा बराबर क्या आ जाएगा, किया गया कुल कार्य, ठीक है, डब्ल्यू अपॉन क्या आ जाएगी, अवशोषित उष्मा, यानी कि क्यू वन का मान अपने पास प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। या ईटा बराबर कितना है, डब्ल्यू कितना आ जाएगा, देखो आर टी वन माइनस टी टू लॉग ई वी वी अपॉन वी ए अपॉन कितना आएगा, अवशोषित उष्मा, जो क्यूबन जो कार्यकारी पदार्थ क्या करता है, देखो चार पार्ट आए थे हमारे पास, चार प्रक्रम आए थे। प्रथम प्रक्रम कौन सा था, समतापी प्रसार था। देवते वाला कौन सा था, दोषम प्रसार था। थर्ड कौन सा था, समतापी संपीड़न था। और लास्ट वाला कौन सा था, दोषम संपीड़न था। जो फर्स्ट वाला पार्ट था समतापी प्रसार, उसमें क्या किया था उन्होंने, कार्यकारी पदार्थ को किसके ऊपर रखा था, उष्मा स्रोत के ऊपर रखा था। उष्मा धारिता का मान नियत होने के कारण ताप का मान क्या रहता है, नियत रहता है इसमें, ठीक है। और जो रिजल्ट आया था, कितनी उष्मा ग्रहण की थी, उसमें अपन ने किया गया कार्य कितना था, उसमें आर टी वन रोगी बी बी अपॉन, ठीक है। थीटा इक्वल टू कितना आएगा, आर टी वन माइनस टी टू लोग बी बी अपॉन बी ए अपॉन कितना आता है, आर टी वन दो वी वी अपॉन वी, ठीक है। या कितना बराबर क्या रिजल्ट आएगा, आर से आर कैंसिल आओ, दो वाले पार्ट से लोग वाला पार्ट कैंसिल आओ, क्या बचेगा, टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, टी वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। ईटा बराबर क्या रिजल्ट आएगा, टी वन माइनस टी टू अपॉन क्या आएगा, टी वन, ठीक है। और ईटा बराबर इसे रिजल्ट देखा जाए तो क्या रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, ठीक है। ईटा बराबर क्या रिजल्ट आएगा, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन। देखो रुद्रसम प्रसार गुणांक आया था रो, दोषम प्रसार गुणांक का मान अपन ने, रो का मान अपन ने प्राप्त किया था, कितना मान आया था, टी वन अपॉन टी टू इक्वल टू क्या था, रो,
तो डी वन अपॉन डी टू की पावर कितनी थी, वन अपॉन गामा के रूप में उसका मान था। ठीक है, इस वाले में एटा बराबर क्या लिख सकते हैं, वन अपॉन रो वन अपॉन गामा माइनस। ठीक है, ये वाला मान किसका आ गया, एटा का मान हमारे पास प्राप्त हो गया। ठीक है, एटा बराबर कितना आया, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन इक्वल टू वन माइनस वन अपॉन रो इक्वल टू कितना है, वन अपॉन गामा माइनस। ठीक है, कितना है, वन अपॉन गामा माइनस वन के रूप में क्या आएगा मान। ये तो क्या था, ईटा का मान। ईटा का मान अपने किस प्रकार प्राप्त किया, देखो कोई भी उष्मा इंजन या कार्नो इंजन जो भी होता है उसका मान दक्षता किस प्रकार प्राप्त करते हैं, किया गया कार्य बटे क्या आएगी, अवशोषित उष्मा, यानी कि जो अपने उष्मा उपयोग में ली थी। ठीक है ना, उष्मा स्रोत से जो अपने उष्मा ग्रहण की गई थी वो उष्मा आ जाएगी। ठीक है, दक्षता बराबर क्या आएगा, किया गया कार्य बटे अवशोषित उष्मा, ईटा बराबर डब्ल्यू अपॉन क्यू वन। ईटा बराबर कितना मान आया, आर टी वन माइनस टी टू लो वी बी वी अपॉन बी ए आर टी वन लो वी बी वी अपॉन बी ईटा टी वन माइनस टी टू अपॉन या ईटा बराबर कितना आया, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन और कितना आया, वन माइनस वन अपॉन रो पावर वन अपॉन गामा माइनस वन। ये तो आ गए इसके मान, यानी कि दक्षता होते क्या है। अब जैसे कि इस वाले में क्या मान आएगा आप पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब इससे निष्कर्ष क्या निकलेंगे, इस वाले से जो रिजल्ट आ रहा है उससे निष्कर्ष क्या क्या निष्कर्ष होंगे। कार्नो इंजन से जो रिजल्ट आ रहा है, ठीक है ना, किया गया दक्षता आ रही है उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है, ये अपने पास देखते क्या है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या निष्कर्ष आ सकते हैं, जैसे कि लास्ट वाला मान कितना है, एटा बराबर वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, यानी कि ये किस किस पर डिपेंड कर रहा है, इस वाले से किस बात का स्पष्ट हो रहा है, ये किस बात पर डिपेंड करेगा, ओनली उष्मा स्रोत व उष्मा सिंक के ताप पर डिपेंड करेगा। उष्मा स्रोत व उष्मा सिंक के ताप पर डिपेंड करेगा, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कार्यकारी पदार्थ से कितनी उष्मा को ले ग्रहण किया। ठीक है ना, इस बात पर डिपेंड नहीं करेगा कि कार्यकारी पदार्थ के रूप में ईंधन के रूप में उन्होंने क्या उपयोग किया, यानी कि कार्यकारी पदार्थ के ऊपर ये क्या करता है, डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, कार्यकारी पदार्थ पर ये क्या करेगा, डिपेंड नहीं करेगा, ओनली किस पर डिपेंड करेगा, उसके ताप पर डिपेंड करेगा। ठीक है ना, उष्मा स्रोत व उष्मा सिंक पर ये ताप पर डिपेंड करता है। फर्स्ट क्या आएगा, दक्षता क्या करेगी, कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं। दक्षता कार्यकारी पदार्थ पर निर्भर नहीं करती। ठीक है, इस पर निर्भर करती है उष्मा स्रोत व सिंक के ताप, उष्मा स्रोत व उष्मा सिंक के ताप पर क्या करेंगे, ये डिपेंड करेगी। ठीक है ना, दक्षता क्या कर रही है, ये क्या कर रहा है, ईटा बराबर कितना है, वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, यानी कि उष्मा स्रोत पर उष्मा सिंक के ताप पर डिपेंड करती है, न कि कार्यकारी पदार्थ के ऊपर डिपेंड करती है। ये तो क्या आएगा, इसका फर्स्ट पार्ट आएगा। ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, दक्षता क्या करती है, कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करती, तो उसमें कौन सा उपने ईंधन वगैरह यूज की है, किस बात पर डिपेंड करेगी, ओनली इस बात पर डिपेंड करेगी उष्मा स्रोत व उष्मा सिंक का ताप कितना है। ठीक है ना, नंबर दो क्या है, दक्षता उष्मा स्रोत
वह सिंह के मध्य तापांतर पर निर्भर करती है, ठीक है, इस पर निर्भर करती है। उष्मा स्रोत वह उष्मा सिंह के तापांतर पर ये क्या करेगी, निर्भर करेगी। ठीक है, अब इस तापांतर में देखिए क्या करेंगे, इसके स्रोत के साथ साथ टी वन बाई टी टू के साथ बढ़ती है, यानी कि टी वन बाई टी टू के साथ इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, टी वन बाई टी टू के साथ इसमें क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। ठीक है, नंबर तीन, नंबर तीन देखिए क्या आएगा, उष्मा स्रोत का ताप बढ़ाने के बजाय उष्मा सिंक का ताप क्या करते हैं, कम करते हैं। उष्मा सिंक का ताप ज्यादा कम करने पर क्या आएगी, दक्षता का मान बढ़ेगा। उष्मा स्रोत का मान बढ़ाने की अपेक्षा उष्मा सिंह के ताप में क्या करते हैं, ज्यादा कमी करने पर क्या आएगा, रिजल्ट ज्यादा बेटर आएगा। ठीक है, किस प्रकार देखिए, दक्षता उष्मा सिंह के ताप में कमी करने से अपेक्षाकृत उष्मा स्रोत के ताप में बढ़ोतरी, यानी कि बढ़ोतरी करने की अपेक्षा का क्या कर सकते हैं अपन, उष्मा सिंह के ताप में कमी कर, उष्मा सिंह के ताप में ज्यादा कमी करेंगे तो क्या आएगा, रिजल्ट ज्यादा बेटर आएगा, इसकी अपेक्षा उष्मा स्रोत के ताप में वृद्धि करने की अपेक्षा। ठीक है, दक्षता वन या 100% नहीं हो सकती, दक्षता वन या 100% नहीं हो सकती। ठीक है, दक्षता वन या 100% नहीं हो सकती, कैसे, थीटा इक्वल टू क्या है, वन माइनस टी टू अपॉन टी, 100% कब होगी, या तो टी टू इक्वल टू जीरो या टी वन इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, 100% इसमें कब होगी, या तो टी टू इक्वल टू जीरो या फिर टी वन इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, लेकिन क्या ये घटनाएं संभव है, टी टू इक्वल टू जीरो हो जाए, उष्मा सिंह का ताप क्या हो, शून्य हो, या उष्मा स्रोत का ताप क्या हो, अनंत हो, ये घटनाएं क्या होती है, असंभव घटनाएं होती है। ठीक है, क्या ये थीटा इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, थीटा इक्वल टू वन माइनस टी टू अपॉन टी वन, 100% टी टू इक्वल टू जीरो या टी वन इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, पर यह क्या है, असंभव होगा, पर यह असंभव होगा।
पर ये घटनाएं क्या होती है, असंभव है, यानी कि उष्मा सिंह का ताप क्या है, शून्य नहीं हो सकता, उष्मा सिंह का ताप शून्य नहीं हो सकता, और उष्मा स्रोत का ताप क्या हो सकता है, अधिकतम भी नहीं हो सकता, यानी कि दक्षता क्या है, 100% नहीं हो सकती। क्या रीजन आए, T2 100% होने के लिए क्या है, या तो T2 इक्वल टू 0 होगा या फिर T1 इक्वल टू इन्फिनिटी होगा। 100% होने के लिए क्या आएगा, या तो T2 इक्वल टू 0 या T1 इक्वल टू क्या आएगा, इन्फिनिटी होगा, ठीक है। T2 इक्वल टू 0 या फिर T1 इक्वल टू इन्फिनिटी, वो क्या होगी, एक असंभव घटना प्राप्त होगी, ठीक है, वो क्या आएगी, एक असंभव घटना हो जाएगी, ठीक है। और लास्ट वाली इक्वेशन देखिए, 1 - 1 / ρ / 1 / γ - 1, यानी कि दक्षता का मान क्या है, रो पर भी डिपेंड करेगा, और रो का मान बढ़ने पर क्या है, दक्षता का मान बढ़ेगा। लास्ट नंबर 5 क्या रहेगा, रो का मान बढ़ने पर थीटा ठीक है। लास्ट वाला क्या कहता है, दूरदर्शन प्रसार दूरदर्शन अनुपात था गुणांक वाला, उस रो का मान बढ़ने पर क्या आएगी, थीटा का मान क्या है, सॉरी दक्षता का मान क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है ना। अपने को क्या चाहिए, T2 / T1 का मान क्या चाहिए, अलग चाहिए, ठीक है ना। T2 / T1 का मान क्या चाहिए, अलग चाहिए। जो लास्ट वाला पार्ट है ना, T2 / T1, इस वाले पार्ट का मान अपने को क्या चाहिए, अलग चाहिए। और ये अलग कब प्राप्त होगा, जितना अलग होगा दक्षता का मान क्या होगा, उतना ही होगा। T2 / T1 का मान अलग कब होगा, या उष्मा स्रोत का मान बढ़ाया जाए या फिर उष्मा सिंह का मान कम किया जाए, ठीक है। T2 / T1 का मान कम कब होगा, या तो उष्मा स्रोत T1 का मान बढ़ाया जाए या फिर T2 का मान क्या किया जाए, कम किया जाए, ठीक है ना। यही तो है, ये उनके ताप पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या कहते हैं, उष्मा सिंह के ताप में कमी करनी चाहिए, ठीक है ना। ये वाला क्या रहता है, थोड़ा सा बेटर रहता है, यानी कि उष्मा सिंह के ताप में अपन क्या करते हैं, कमी करते हैं, इसकी अपेक्षा उष्मा स्रोत के ताप में बढ़ोतरी करने की अपेक्षा, ठीक है। उष्मा सिंह के ताप में क्या करनी चाहिए, कमी करनी चाहिए, इसकी अपेक्षा उष्मा स्रोत के ताप में बढ़ोतरी करने की अपेक्षा क्या रहता है, थोड़ा बेहतर है। और किस पर डिपेंड करेगी, T1 - T2 पर डिपेंड करेगी, T1 - T2 के तापांतर पर डिपेंड करेगी। जैसे जैसे इसका मान बढ़ेगा, इसकी दक्षता का मान क्या आएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कौन सी है, 1 - T2 / T1, यानी कि कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड नहीं है। कोई भी दो उष्मा स्रोत ले लिए, कार्नो व्यंजन ले लिए, जिनकी क्या है, जो कार्यकारी पदार्थ है वो क्या है, अलग अलग है, तो इसकी दक्षताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो उन पर डिपेंड नहीं करते, कार्यकारी पदार्थ पर डिपेंड नहीं करता। डिपेंड किस पर करेगा, उष्मा स्रोत और उष्मा सिंह के ताप पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। ये मान किस पर डिपेंड करेंगे, उष्मा स्रोत व उष्मा सिंह के ताप पर डिपेंड करेंगे, ठीक है ना। और इसमें भी क्या आएगा, उष्मा स्रोत और उष्मा सिंह के मध्य तापांतर पर, T1 - T2 के साथ। जैसे T1 - T2 का मान बढ़ेगा, तो इसका भी मान क्या आएगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। T1 - T2 का मान बढ़ेगा, तो इसमें भी मान बढ़ेगा। दक्षता उष्मा सिंह के ताप में कमी करने की, कमी करनी चाहिए, किसकी अपेक्षा, उष्मा स्रोत के ताप में बढ़ोतरी करने की अपेक्षा, ठीक है। दक्षता 100% नहीं हो सकती, θ = 1 - T2 / T1, 100% T2 = 0, T1 = ∞, ठीक है ना। T2 / T1 का मान क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। और ये दक्षता 100% होने के लिए क्या चाहिए अपने को, या तो T2 = 0, उष्मा सिंह का मान क्या होना चाहिए, शून्य, या फिर T1 = ∞, क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, ठीक है। ये इस पर क्या आएगी, लेकिन ये दोनों ही घटनाएं क्या होती है, असंभव घटनाएं होती है, ठीक है ना। उष्मा सिंह का ताप शून्य नहीं हो सकता, उष्मा स्रोत का ताप इन्फिनिटिव नहीं हो सकता, अनंत नहीं हो सकता। लास्ट वाला पार्ट क्या कहता है,
ये क्या करेगा, प्रदर्शन जो गुणांक होता है उस पर भी क्या करेगा, इसका मान डिपेंड करेगा। रो का मान बढ़ने पर क्या आएगी, एटा का मान बढ़ेगा। ठीक है।